नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीबीट्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के दी मोस्ट पॉपुलर शो मेघा बरसेंगे की, जहां पर आपको बता दें कि मनोज के खिलाफ बहुत ही बड़ा सबूत जो है वो लग चुका है हाथ अर्जुन और मेघा के। फाइनली दोनों की तलाश खत्म हुई, फाइनली दोनों का मकसद पूरा हुआ। मनोज के खिलाफ कुछ तो एविडेंस मिले जिसके बिहाफ पर मनोज को पुलिस घसीटते हुए लेकर जाए जेल में। दरअसल मेघा और अर्जुन की छानबीन और उनकी मेहनत लाई रंग, उनको मिला नुपुर की मौत का सच। जी हाँ, यहाँ पर मनोज ने सबसे पहले नुपुर से उसकी किडनी लेकर ट्रांसप्लांट की, उसके बाद नुपुर की जान ले ली। जी हाँ, आपको बताते चलें कि उसने नुपुर की जान ले ली है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से नुपुर को उसने मारा है। और इन सब का एविडेंस अर्जुन और मेघा के हाथ लग चुका है और अब पुलिस को बुलाया है मेघा ने और अर्जुन ने, और अब मनोज को पुलिस घसीटते हुए लेकर जा रही है जेल। लेकिन बीच में कहानी बदल सकती है। दरअसल सीरियल की कहानी में मनोज बहुत ही शातिर क्रिमिनल है। वो ऐसा बंदा है जिसके इशारों पर काम हो जाता है। ऐसे में मनोज खुद को बचाने के ढेर सारे उपाय लगा रहा है, रास्ते ढूंढ रहा है। और यहाँ पर जब पुलिस उसे जेल में डालती है तो मनोज जो है मेघा और अर्जुन को धमकी देता है, कहता है कि तुम लोग ज़्यादा दिनों तक मुझे इस जेल में कैद नहीं कर सकते हो, मैं आज़ाद परिंदा हूँ और उड़ने पर भरोसा रखता हूँ। बहुत ही जल्द मेघा की ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आएगा कि खुद मेघा आकर मुझे जेल से बाहर निकालेगी। अब मनोज के ऐसा कहने का क्या मतलब है, ये तो ट्रैक देखने पर ही पता चलेगा। इसलिए हम और आप मिलकर देखेंगे ट्रैक और तब जाकर बताएंगे आपको किसके आगे क्या होने वाला है। फिलहाल कैसी लगी आपको ये अपडेट, कमेंट करके जरूर बताइएगा।